हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। ठीक है, वीडियो चालू करने से पहले आपको इस वीडियो का भी एक टारगेट दे देता हूँ। इस वीडियो का टारगेट है आपका 7000 व्यू और 1000 लाइक। ठीक है, जैसे ही इस वीडियो पर आपका 7000 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। इस बार व्यूज जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि ACF की वैकेंसी आई है, आप लोगों में एक अलग ही एनर्जी देखने के लिए मिल रही है। तो जल्दी से आप इसका व्यू कंप्लीट कर दीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपका इसका अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो सीरीज चल रहा है, उस वीडियो सीरीज का एक पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिस किसी को भी चाहिए आपके व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, समय निकाल करके लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या आपका PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ आपका वर्ष 2012 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ आपका वर्ष 2012 को, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ जो आपका खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है, ये छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंदों को उचित मूल्य पर आपका राशन सामग्री उपलब्ध कराने, भोजन का अधिकार देने के लिए आपका ये छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। इसे लागू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में आपका वर्ष 2012 को, ध्यान दीजिएगा। ये आपका खाद्य अधिनियम लागू करने वाला या खाद्य एवं पोषण अधिनियम लागू करने वाला जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये देश का पहला राज्य है। ठीक है, प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। ठीक है, समझिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे भारत भर में आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ था आपके वर्ष 2013 को, एक साल बाद। ठीक है, वर्ष 2013 को एक साल बाद लागू हुआ, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ वर्ष 2012 में ही प्रदेश के नागरिकों के लिए आपका छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू कर चुका था। इसीलिए छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्रदेश के नागरिकों के लिए भोजन का अधिकार देने के लिए तथा उचित कीमतों पर राशन सामग्री मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से उसने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया वर्ष 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उचित मूल्य की दुकानें। उचित मूल्य की दुकानें क्या होती है, ये भी आपके PDS प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जरूरतमंदों को उचित कीमतों पर राशन सामग्री मुहैया कराए जाने का दुकान। ठीक है, ये होता है आपका उचित मूल्य का दुकान। प्रदेश में आपका अक्टूबर 2019 तक की स्थिति में आपके इस PDS प्रणाली के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 12,306 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ भर में आपके अक्टूबर 2019 तक की स्थिति में 12,306 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 12,306 उचित मूल्य की दुकानों में से ग्रामीण क्षेत्र में 11,045 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, जबकि शहरी क्षेत्र में 1,261 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। आंकड़े याद रखना है, 12,306 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरे प्रदेश भर में 12,306 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, ग्रामीण क्षेत्र में 11,045 जबकि शहरी क्षेत्र में 1,261 या 1,261 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। पूरे छत्तीसगढ़ के जो आपके वर्तमान में जो आपके 28 जिले हैं, उन 28 जिलों में से जो सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें किस जिले में मौजूद है पूछा जाए, तो ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिला जो कि क्षेत्रफल के आधार पर आपका काफ़ी बड़ा जिला है, तो जब जिला बड़ा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जगह जगह पर उचित मूल्य की दुकानें होंगी। ठीक है, तो हमारे प्रदेश जो सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें मौजूद है वो है आपके राजनांदगांव जिला में। ठीक है, सबसे कम मौजूद है आपका दुर्गम जिला जो है आपका नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिले में सबसे कम उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। ध्यान दीजिएगा, PDS प्रणाली ऑनलाइन व्यवस्था यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था। देखिए ये जो आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में जितनी भी आपकी उचित मूल्य की दुकानें संचालित है उसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से प्रदेश में संचालित जो जितनी
जितनी भी आपकी उचित मूल्य की दुकानें हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करके उन्हें खाद्यान्न कार्यालय से जोड़ा गया तथा उनमें आपके जितने भी आपके राशन कार्डधारी है उससे संबंधित जानकारी उसमें फीड किए गए। आप ये आपको ये याद रखना है कि जो हमारे प्रदेश में प्रदेश में पीडीएस प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई, तो ध्यान दीजिएगा वर्ष 2007-08 से। ऐसा प्रश्न पूछ चुका है, आगे बताऊंगा, सेम टू सेम एक ऐसा प्रश्न इसी साल के पीएससी में आया था। ठीक, तो जब ऐसा प्रश्न आ रहा है तो हमको ये सारे ईयर भी याद करते हुए चलने पड़ेंगे। ठीक, पीडीएस प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई पूछा जाए, तो वर्ष 2007-08 से आपके पीडीएस प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, अब समझिए, अब हम देखेंगे आपके राशन कार्ड। प्रदेश में राशन कार्ड, देखिए प्रदेश में कुल आपके 6 प्रकार के राशन कार्ड आपके प्रचलन में है, ध्यान दीजिएगा। एक है आपका प्राथमिकता राशन कार्ड, दूसरा है अंत्योदय राशन कार्ड, तीसरा है एकल निराश्रित राशन कार्ड, चौथा है निःशक्त जन राशन कार्ड, पांचवा है आपका अन्नपूर्णा राशन कार्ड और आपका छठवा है सामान्य राशन कार्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इन राशन कार्डों का रंग क्या है और प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है उसको हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, ये जो राशन कार्ड है इसका रंग है लाल। राशन कार्डों के रंग से प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राशन कार्डों के रंग से प्रश्न पूछा गया है इस बार। आप सभी को मालूम है जैसे ही भूपेश बघेल जी की नई सरकार बनी उन्होंने राशन कार्डों का नवीनीकरण किया, जिसके बाद आपके राशन कार्डों के रंगों का में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके वही परिवर्तित रंग ही है। प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, इस प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड इसका रंग है आपका लाल। ठीक है, अंत्योदय परिवार राशन कार्ड इसका रंग है पीला। एकल निराश्रित राशन कार्ड, एकल निराश्रित के अंतर्गत विधवा एवं परित्यक्त महिला बुजुर्ग इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, एकल निराश्रित राशन कार्ड जिसका रंग है स्लेटी, स्लेटी मतलब ग्रे कलर। ठीक है, निःशक्त जन राशन कार्ड जिनका आपका राशन कार्ड का रंग है आपका काला। अन्नपूर्ण राशन कार्ड जिनका रंग है आपका नीला। सामान्य परिवार राशन कार्ड, इन्हें एपीएल, ठीक है, एपीएल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। दो कैटेगरी है, बीपीएल यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबव द पॉवर्टी लाइन। इस साल भूपेश बघेल की जो सरकार बनी है उन्होंने सामान्य वर्गों को भी आपका राशन कार्ड उनके भी जारी किए हैं। ठीक है, ये राशन कार्ड का कलर सुनने में आया है सफ़ेद रंग का ये राशन कार्ड है, लेकिन अभी मेरे को कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। बस इसे इस स्पेस को खाली छोड़ दीजिएगा, अगर किसी को जानकारी होगी तो नीचे में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सामान्य परिवार राशन कार्ड का, सामान्य परिवार जो राशन कार्ड धारी है उनके राशन कार्ड का रंग कौन सा है। ठीक है, या अपने से लिख लीजिएगा, अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब इन राशन कार्डों की संख्या को समझिएगा। देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलन में कौन सा राशन कार्ड है पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड। प्रदेश में लगभग 65 लाख राशन कार्डधारी परिवार मौजूद है, प्रदेश में लगभग 65 लाख राशन कार्डधारी परिवार मौजूद है। उसमें से जो सर्वाधिक जो राशन कार्ड वितरित है वो है आपका प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड। प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित राशन कार्ड कौन सा है पूछा जाए इसमें से, तो वो है आपका प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड। देखिए, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड जिनकी संख्या है आपका लगभग 41,95,000। ठीक है, प्राथमिकता परिवार राशन कार्डों की संख्या है हमारे प्रदेश में लगभग, मैं आपको जो भी आंकड़े बताऊंगा सब लगभग मैं बताऊंगा। ठीक है, लगभग 41,95,000। ठीक, अंत्योदय परिवार राशन कार्डधारियों की संख्या है आपका 13,95,000। वैसे ही एकल निराश्रित राशन कार्डधारियों की संख्या है 38,000 से अधिक। ठीक है, 38,000 से अधिक, 38,200 समथिंग कुछ है। ठीक है, हमको एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं रखने, आंकड़े पढ़ने के लिए भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारे आंकड़े हैं, सभी का अगर आप एग्जैक्ट डाटा याद रखेंगे तो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एकल निराश्रित जो कि आपके 38,000 से अधिक है इनके राशन कार्डों की संख्या, निःशक्त जन जिनके राशन कार्डों की संख्या 9,000 से अधिक है, अन्नपूर्ण राशन कार्डधारी जिनकी संख्या 6,000 से अधिक है, वैसे ही आपका सामान्य परिवार राशन कार्डधारी जिनकी संख्या है आपका 8.54 लाख, यानी 8,54,000 राशन कार्डधारी आपके सामान्य वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगर आप ये इन पूरे को ऐड करेंगे तो प्रदेश में वर्तमान आपके 65 लाख आपका राशन कार्ड प्रचलन में है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से सबसे ज्यादा राशन कार्ड का वितरण किस जिले में किया गया है पूछा जाए, तो ध्यान दीजिएगा बिलासपुर में। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक राशन कार्ड का वितरण किस जिले में किया गया है, तो आपके बिलासपुर में प्रदेश के सर्वाधिक राशन कार्डधारी मौजूद है। ठीक, तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली यानी यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम। देखिए सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली जो कि हमारे प्रदेश में लागू हुआ, ये डेट को याद रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम में, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली जो लागू हुआ आपका 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लागू हुई, ध्यान दीजिए। देखिए इसके अंतर्गत हम देखेंगे राशन कार्ड, चावल की मात्रा, उपभोक्ता दर, ये आपका ये जो आपका टेबल जो बना हुआ है प्री के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर मेंस में भी आपके ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ लिखने के लिए आता है तो ये पूरा का पूरा टेबल एज इट इज़ उतार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा और आंसर को भी अच्छा हाईलाइट मिलेगा, ठीक है। देखिए सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली, कार्ड, चावल की मात्रा, उपभोक्ता दर, देखिए ये जो आपके अंत्योदय परिवार जो आपका राशन कार्ड आधारी है उन्हें 35 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा, उपभोक्ता दर है आपका 1 रुपये प्रति किलो की दर से, ठीक है। प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड धारी, सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली से पहले इस प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड धारियों को प्रति सदस्य 7 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन इस सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत देखिए इस प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारी में अगर केवल एक ही सदस्य है, ठीक है, केवल एक ही सदस्य है तो उसे 10 किलो चावल मिलेगा, ठीक है, अगर दो सदस्य है तो उन्हें 20 किलो चावल मिलेगा, अगर इस राशन कार्ड के अंतर्गत 3 से 5 सदस्य है तो उन्हें 35 किलो चावल मिलेगा, अगर 5 सदस्य से अधिक है तो उन्हें 7 किलो चावल प्रति सदस्य मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड या प्राथमिकता राशन कार्ड के अंतर्गत अगर केवल एक ही व्यक्ति है तो उसे 10 किलो चावल मिलेगा, दो व्यक्ति है तो 20 किलो चावल मिलेगा, 3 से 5 सदस्य है यानी 3 से अधिक है और 3 से 5 के मध्य अगर सदस्य है, 3 है 4 है 5 है तो उन्हें आपका 35 किलो चावल मिलेगा, अगर 5 से अधिक सदस्य है, 5 से अधिक सदस्य है तो 35 किलो चावल प्लस 7 किलो चावल प्रति सदस्य के हिसाब से उन्हें मिलेगा, ठीक है। देखिए इनका भी जो उपभोक्ता दर है आपका 1 रुपये प्रति किलो की दर से इन्हें चावल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अन्नपूर्णा राशन कार्डधारी, अन्नपूर्णा परिवार राशन कार्डधारी, इन्हें भी आपका 35 किलो चावल प्रति माह आपका राशन कार्ड पर मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 35 किलो चावल में से 10 किलो चावल इन्हें निःशुल्क मिलेगा, फ्री 10 किलो चावल इन्हें फ्री यानी निःशुल्क मिलेगा और 25 किलो चावल इन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। अन्नपूर्णा राशन कार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल तो मिलेगा, लेकिन इस 35 किलो चावल में से 10 किलो का उन्हें किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन बचे हुए 25 किलो इन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से आपका उपलब्ध कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निराश्रित, निराश्रित एकल निराश्रित जिसके अंतर्गत विधवा परित्यक्त महिलाओं को शामिल किया गया है, समझिएगा। देखिए निराश्रित इन्हें भी 10 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। निःशक्तजन जिन्हें भी आपका 10 किलो चावल आपके प्रति राशन कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि APL, ध्यान दीजिएगा APL, ये जितने भी राशन कार्ड है इससे ऊपर ये सभी BPL के अंतर्गत आते हैं, ये है आपका APL यानी अबव द पावर्टी लाइन यानी ये सामान्य वर्ग, ठीक है, सामान्य वर्ग। इस साल जो आपके भूपेश बघेल जी की जो सरकार है उन्होंने APL के लिए भी आपके राशन कार्ड जारी किए हैं, ध्यान दीजिएगा। APL इन्हें 35 किलो चावल आपका प्रति माह प्रति राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा और जो 35 किलो चावल है इन्हें 10 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। देखिए किसी को निःशुल्क मिला है, किसी को 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहा है, इन APL कार्डधारियों को आपका 10 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा प्रति माह, ठीक है। तो ये आंकड़े को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्री के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए आपका ये राशन कार्डों का रंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए आपका ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें टेबल को एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। देखिए ये तो था आपका चावल, अब आपके उचित मूल्य की दुकानों में जो आपके अन्य राशन उपलब्ध कराए जाते हैं उसे समझिएगा। ये जो अन्य राशन है ये आपका अंत्योदय और प्राथमिकता, ठीक है, अंत्योदय और प्राथमिकता इन दोनों को ही उपलब्ध कराया जाता है। देखिए उचित मूल्य की दुकानों में चावल के अतिरिक्त आपके अन्य राशन जो वितरित किया जाता है उसे समझिएगा। अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार यानी ये दो राशन कार्ड के बारे में हम देखेंगे, अंत्योदय परिवार राशन कार्ड और प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड। देखिए
ये जो आपका ये जो अन्य राशन अंत्योदय और प्राथमिकता, देखिए इसके अंतर्गत जो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आपके आयोडीन युक्त नमक का भी वितरण किया जाता है निःशुल्क, ठीक है। बीपीएल कार्डधारी यानी अंत्योदय और प्राथमिकता, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश के जो आपके 85 विकास खंड है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक तरीके के आदिवासी विकास खंड, तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास खंड आते हैं उन्हें 2 किलो आपका आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क प्रदान किया जाता है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी सामान्य क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानों में आपका 1 किलो आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क वितरित किया जाता है, ठीक है। देखिए APL परिवार, ये जो आपका APL राशन कार्डधारी है, इन APL राशन कार्डधारियों को भी नमक आपका वितरित किया जाएगा। देखिए इन्हें भी नमक के अंतर्गत नमक वितरित किए जाने के लिए इन्हें भी पात्र किया गया है आपके 1 जून 2020, ठीक है। 1 जून 2020 से इन APL राशन कार्डधारियों को भी इस नमक वितरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, उन्हें पात्र किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका APL राशन कार्डधारी है वो मैक्सिमम 2 किलो नमक ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 किलो नमक ले सकते हैं 10 रुपये प्रति किलो की दर से, ठीक है। मैक्सिमम 2 किलो नमक ले सकते हैं 1 रुपये प्रति किलो की दर से। इन्हें आपके 1 जून 2020 से इस नमक के लिए पात्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शक्कर, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारी यानी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को आपका 1 किलो शक्कर 17 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जाता है, जबकि जो चना है, चना जो है आपके अनुसूचित क्षेत्रों में ही बस आपका वितरित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में आपका 2 किलो चना 5 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये तो आंकड़े आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपके ये सारे डाटा काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि आपका 1 मई 2016 से बलिया ग्राम उत्तर प्रदेश से ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ, जिसके अंतर्गत बीपीएल जो राशन कार्डधारी परिवार है यानी महिला सदस्य, बीपीएल राशन कार्डधारी परिवार के महिला सदस्यों को आपका 2 बर्नर वाला चूल्हा और 1 सिलेंडर आपका 200 रुपये के अंशदान पर आपके सरकार प्रदान करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार की यह योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपये के अंशदान पर 2 बर्नर वाला आपका चूल्हा और 1 गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में, ठीक है, ये जो आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी वर्तमान स्थिति समझिएगा। वर्ष 2016-17 यानी जब से ये आपका योजना प्रारंभ हुआ तब से लेकर के इस वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 तक छत्तीसगढ़ में टोटल 29.06 लाख यानी आपका 29,06,000 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की स्थिति में अब तक कुल 29,06,000 आपके गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए धान खरीदी समझिएगा, धान खरीदी जो कि इस खरीफ वर्ष 2019-20 का देखेंगे, इस खरीफ वर्ष 2019-20 में जो धान की खरीदी की गई प्रदेश सरकार के द्वारा उसे हम समझेंगे। देखिए धान खरीदी, कंप्यूटरीकृत आपका धान खरीदी, ये वाला प्रश्न इस बार PSCA पूछा गया था, ठीक है। प्रदेश में किस वर्ष से आपके ये जो धान खरीदी है उसे कंप्यूटरीकृत किया गया है, ठीक है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है, समझिएगा। देखिए ये जो कंप्यूटरीकृत जो आपके धान खरीदी है ये आपके खरीफ वर्ष 2007-08 से प्रारंभ किया गया था। खरीफ वर्ष 2007-08 से प्रदेश में कंप्यूटरों के माध्यम से डाटाबेस तैयार करके धान की खरीदी की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस खरीफ वर्ष 2019-20 की स्थिति में प्रदेश में कंप्यूटरीकृत केंद्रों की संख्या, ठीक है, कंप्यूटरीकृत धान खरीदी केंद्रों की संख्या आपके वर्ष 2019-20 तक की स्थिति में प्रदेश में थी आपके 2047 धान खरीदी केंद्र आपके कंप्यूटरीकृत मौजूद थे वर्ष 2019-20 की स्थिति में, ठीक है। अब समझिए, इस धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो धान खरीदी की जा रही है उसके लिए जो रजिस्टर्ड जो आपके कृषक है, ठीक है, पंजीकृत किसानों की संख्या थी आपके इस वर्ष 2019-20 में आपका 19,46,000, ठीक है, 19,46,000, 19.46 लाख, ठीक, 19,46,000 किसानों ने
प्रदेश सरकार को धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया, रजिस्ट्रेशन कराया था। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल यानी वर्ष 2019-20 में धान और मक्का की खरीदी किस दर पे की गई, किस संस्था के द्वारा वो खरीदी किया जाता है, कितना धान का खरीदी किया गया, उसको समझिएगा। देखिए, प्रदेश में धान की खरीदी और मक्का की खरीदी वर्ष 2019-20 में, ये जो हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी है, ये जो इसकी खरीदी करने वाली संस्था का नाम है आपका मार्कफेड। प्रदेश में धान की खरीदी मार्कफेड संस्था के माध्यम से किया जाता है, जबकि मक्का की खरीदी प्रदेश में मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रदेश में धान की खरीदी मार्कफेड के माध्यम से किया जाता है, जबकि मक्के की खरीदी आपके मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जाता है। ये मार्कफेड वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, खरीदी का समय समझिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो धान की खरीदी के लिए जो आपका ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड जो डिसाइड किया गया था, वो था आपका 1 दिसंबर 2019 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 20 फरवरी 2020 तक। देखिए, जो मैंने आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कराया है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वाला, उसमें 15 फरवरी 2020 लिखा है मैंने यहाँ, 15 फरवरी 2020। ठीक है, न्यूज़ तो काफ़ी बाद में मिला मेरे को कि प्रदेश सरकार के द्वारा 5 दिन का अतिरिक्त और समय बढ़ाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा और उसे करेक्ट भी कीजिएगा। ठीक है, उसे करेक्ट कीजिएगा। पहले जो डेट डिसाइड किया गया था वो था आपका 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2020 तक। ठीक है, लेकिन उसे 5 दिन का अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिन भी दिया गया धान के खरीदी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में जो धान की खरीदी है वो 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 20 फरवरी 2020 तक प्रदेश में धान की खरीदी की गई। ठीक है, वैसे ही प्रदेश में जो मक्का की खरीदी है वो आपका 1 दिसंबर 2019 से मक्का की खरीदी प्रारंभ हुई, जो कि चली आपके, डिसाइड तो किया गया था 31 मई 2020 तक मक्के की खरीदी की जाएगी, 31 मई 2020 तक मक्के की खरीदी की जाएगी, ऐसा प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। लेकिन आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में आपके मार्च के बाद से लॉकडाउन आपके लग गए थे। ठीक है, प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण आपके लॉकडाउन लगा दिया गया था, लॉकडाउन अभी भी जारी है। अब पता नहीं कि 31 मई तक आपके मक्के की खरीदी की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ठीक है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन धान की खरीदी पूर्ण हो चुकी है आपके 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 20 फरवरी 2020 तक। ठीक है, मक्के की खरीदी को थोड़ा देख आप न्यूज़ में अपडेट कीजिएगा, अगर मेरे को किसी भी प्रकार का अपडेशन मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन जो प्रदेश सरकार द्वारा जो इसका टाइम पीरियड जो डिसाइड किया गया था, मक्के की खरीदी 1 दिसंबर 2019 से चालू हुई थी और इसको डिसाइड किया गया था 31 मई 2020 तक इसकी खरीदी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP रुपये प्रति क्विंटल में, प्रदेश में जो धान की खरीदी वो की गई है आपका 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, सामान्य धान की खरीदी की गई आपके 1815 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, जबकि ग्रेड ए धान की खरीदी की गई है आपके 1835 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, प्रदेश में सामान्य धान की खरीदी की गई 1815 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, जबकि आपका ग्रेड ए धान की खरीदी की गई थी आपके 1835 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। वैसे ही प्रदेश में मक्का की खरीदी की गई आपके 1760 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। ठीक है, प्रदेश में मक्का की खरीदी की गई आपके 1760 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड किया गया था, लेकिन एक्चुअली में जो हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी की गई वो आपके 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। प्रदेश में जो आपके धान की खरीदी की गई वो 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। ठीक है, जबकि मक्के की खरीदी जो है वो 1760 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही रहा। ठीक है, हमारे प्रदेश में आपकी जो धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, जो आपकी अतिरिक्त राशि है, यानी 1815 रुपये के बाद की जो आपकी अतिरिक्त राशि है, यानी 685 रुपये प्रति क्विंटल, उसे राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डायरेक्ट उसका अंतरण यानी ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिकतम सीमा यानी प्रति एकड़ कितने धान की और कितने मक्के की खरीदी प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, समझिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा आपका प्रति एकड़ एक किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, जबकि मक्के की खरीदी एक किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 10 क्विंटल मक्के की खरीदी की जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा जो
आपके धान और मक्के की खरीदी की जा रही है उसकी अधिकतम सीमा जो आपका निर्धारित की गई है एक किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल आपके धान की खरीदी, जबकि मक्के की खरीदी आपके एक किसान से प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्के की खरीदी की जाएगी, समझिएगा। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार द्वारा ये जो धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, प्रदेश सरकार द्वारा जो इस वर्ष यानी वर्ष 2019-20 में जो आपके धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था आपका 85 लाख मैट्रिक टन, ठीक है, 85 लाख मीट्रिक टन का आपका धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन खरीदी हुआ है प्रदेश में केवल 82.81 लाख मैट्रिक टन, ठीक है, 82.81 लाख मैट्रिक टन यानी 82,81,000 मैट्रिक टन आपके धान की खरीदी प्रदेश में इस वर्ष हुई, ठीक है। आपको कई बार न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा अगर हम देखें तो एग्जैक्ट डाटा है आपका 82,81,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रदेश में हुई है, जिसे लगभग प्रदेश सरकार बोलती है आपकी लगभग 83 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई, ठीक है। आंकड़े लगभग में बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है आपका 82.81 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मक्के की खरीदी कितनी हुई, अभी तक इसके कोई भी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। अब समझिएगा, आप सभी को मालूम होगा ये करंट का टॉपिक है कि इस साल केंद्र सरकार के द्वारा फिर से आपके 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके वर्ष 2020-21 यानी इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए आपके जो 14 खरीफ फसलों का आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, समझिएगा। चावल, सामान्य जो चावल है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि जो ग्रेड ए वाले जो चावल है, ग्रेड ए चावल के लिए आपका 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। वैसे ही मक्का की जो खरीदी है उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपके केंद्र सरकार के द्वारा 1850 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये करंट का टॉपिक है, इसको भी एक जगह ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, चलिए।